क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाला हूं, जिसका नाम है क्या, डबल केज रोटर। तो इस टॉपिक में हम लोग देखिए, डबल केज रोटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डबल केज रोटर। तो ये बेसिकली स्क्वायरल केज रोटर का स्पेशल टाइप है। जैसे कि हम लोग ध्यान से देखिए, पहले के क्लासेस को याद कीजिए आप। स्क्वायरल केज जो आपको ऐसे ही रोटर इस तरीके से था, दोनों तरफ क्या था, इंड रिंग था। इस तरीके से आपका रोटर सर्किट था ना, इस तरीके से आपका रोटर सर्किट था, ये रोटर सर्किट था, डबल केज रोटर था इस तरीके से। तो ये स्क्वायरल केज रोटर था, ये दोनों तरफ इंड रिंग था, इंड रिंग था, इधर भी इंड रिंग था, यहाँ पर ये था, बताइए क्या, कॉपर बार था, कॉपर बार था। अब इसको हम लोग क्या किए थे बताइए, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता था, कम होता था, स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता था, पावर फैक्टर क्या होता था, लो होता था। इसको याद कीजिए प्रीवियस क्लासेस पे। स्क्वायरल केज अगर नहीं देखे तो जा करके वीडियो बैक में जा करके देखिए, ठीक है। अब देखिए, हमारा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, चूंकि इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ख़राब था, इसको हम लोग क्या किए थे, स्क्यूड किए थे, स्क्यूड किए थे, स्क्यूड नेचर का। तो स्क्यूड नेचर का कैसे किए थे, इस तरीके से हम लोग स्क्यूड किए थे। अब बताइए कि अगर हमारा स्क्यूड नेचर का होगा, अब हमारा स्क्यूड नेचर का होगा, तब देखिए कि क्या होगा। हम अगर स्क्यूड हम करेंगे इसको, अगर आपका स्क्यूड नेचर का होगा तब देखिए कि क्या होगा। अगर हमारा स्क्यूड होगा तो देखिए, इसके तुलना में लंबाई इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ऐसे रहे और यहीं से यहाँ तक तिरछा पहुँचना आपको ऑटोमेटिक है ऐसे करके, तो लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। और लंबाई बढ़ने से क्या होगा बताइए, आर बराबर क्या होता है, रोयल बाई ए होता है ना, रोयल बाई ए। और अगर हमारा लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग टॉर्क पढ़ चुके हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। साथ साथ क्या, और ये हमारा करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में जो करंट हाई था वो भी क्या होगा, घटेगा। साथ ही साथ हम लोग पावर फैक्टर पढ़े हैं, कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड, ये हमारा पढ़े हैं ना। अब हमारा देखिए, हमारा इस तरीके से हमारा बात करेंगे तो पावर फैक्टर भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ज़्यादा होगा, इम्प्रूव करेगा। ये सब क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस का क्या होगा, फायदा होगा। ये जो हम लोग पढ़े थे स्क्यू रोटर करे पढ़े थे, अब देखे थे ये सब जो है से बेसिकली स्लॉट में सब था सारा चीज़। अब देखिए हमारा इसमें भी हमारा क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम रोटर का बात कर रहे हैं, रोटर इस तरीके से है, मान लीजिए रोटर सर्किट है इस तरीके से। पहले जो ओरिजिनल कैसा था, इस तरीके का आपका रोटर था, इस तरीके से आपका रोटर था ना यार, इस तरीके से रोटर था। ये सिंगल केज था, ये हमारा एक ही केज था, इसमें सिंगल केज था, इस तरीके से आपका रोटर था, ये आपका सिंगल केज रोटर था, ऐसे सिंगल केज रोटर था। ये अब हम लोग क्या बात करेंगे बताइए, डबल केज रोटर का बात करेंगे। ये जो रोटर था आपका क्या था बताइए, सिंगल केज रोटर था। ये जो रोटर था क्या था, ये सिंगल केज रोटर था। डबल केज रोटर में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बताते हैं जस्ट। ये जो है आपका सिंगल केज रोटर, ये जो है क्या बताइए, सिंगल केज रोटर है। लेकिन अगर डबल केज रोटर में बात करेंगे तो ये चीज़ जो होगा से क्या होगा, डबल केज होगा। कहने का मतलब देखिए, सेम इसी तरह से होगा लेकिन क्या होगा, वो डबल केज होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसा होगा। हम डायग्राम बनाने का 3D कोशिश कर रहे हैं पूरा यहाँ पर। मान लीजिए कि डबल केज होगा तो एक तो ऐसे आपका रहेगा, इसके अलावा एक और केज होगा, इसमें इस तरीके से एक और केज होगा, ठीक है, एक और केज होगा इस तरीके से, इस तरीके से सारे क्या होगा, डबल केज होगा। इस तरीके से एक केज हुआ और क्या होगा बताइए, दूसरा केज होगा, इस तरीके से आपका होगा। इसी तरीके से सब होगा, आपका एक केज हुआ, दूसरा केज आपका यहाँ पर होगा, यानी कि इस तरीके से केज होगा। ये सब में क्या है बताइए, सिंगल केज है, क्या है, डबल केज है। ये वाली सिंगल केज है, ये वाली क्या है, दो केज है, केज वन केज टू। इसको बोलेंगे आउटर केज, इसको बोलेंगे क्या, इनर केज। ये जो है से क्या है बताइए, डबल केज है, डबल केज रोटर। ये क्या बताइए, डबल केज रोटर है। इसको और सिंप्लीफाई वर्सन डायग्राम केवल हम इसका बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम ऐसा बात करें, ये बात थी अपर केज है, ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका लोअर केज है, ऐसा मान लीजिए कि लोअर केज है, इनर केज है। तो देखिए हमारा ये डबल केज है, इसको मान लीजिए क्या है, अपर केज है, अपर केज है, अपर केज या आउटर केज बोलेंगे, ठीक है, अपर केज, या फिर इसको बोलेंगे क्या हम लोग, आउटर केज बोलेंगे, आउटर केज बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, इनर केज बोलेंगे। ये जो क्या है बताइए, इनर केज है, INER, इनर केज है। अब बताइए, ध्यान दीजिए, अब हमारा बात करेंगे, देखिए हमारा ध्यान दीजिए,
ये आउटर केज को स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का बनाते हैं। स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का बनाएंगे तो रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो क्या होता है बताओ, ये रॉयल बाई ए। तो इसका अगर स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का अपर केज का बनाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसको क्या लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का बनाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस कम, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका क्या ज़्यादा मानते हैं, जबकि इसका रेजिस्टेंस जो है से आपका रेजिस्टेंस जो इसका ज़्यादा, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब देखिए हमारा मान लीजिए कि कंडक्टर यहाँ भी है, कंडक्टर यहाँ भी है, लेकिन इसमें जो है से ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा हमारा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है से इसमें ए फ्लक्स है, मान लिया जाए एक फ्लक्स है, इसका भी फ्लक्स इसमें आएगा, इसका भी इसमें फ्लक्स आएगा। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये जो फ्लक्स है इसमें जो है से फ्लक्स जो है इनर केज में जो फ्लक्स की मात्रा जो होगा से क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। इनर केज में फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि आउटर केज में क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, कम होगा। अब देखो पूरा मैकेनिज्म को समझना है, पूरा मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखो इनर केज में ये सब जो है से क्या है बताइए, फ्लक्स है, ये सब क्या है बताइए, फ्लक्स है। अब इनर केज में देखिए फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब फ्लक्स ज़्यादा होगा तो जिसके कारण इंडक्टेंस क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा, होगा ना ज़्यादा। और इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो साथ साथ इसका रिएक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा रिएक्टेंस। और इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, रिएक्टेंस इसका ज़्यादा होगा तो यहाँ पर करंट जो होगा से क्या होगा, कम होगा, जबकि यहाँ का करंट क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे ना कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी जाते हैं, समझना भी ज़रूरी है, लिखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपका आउटर केज जो हम लोग बनाते हैं क्या स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का बनाते हैं, द आउटर केज आर, ये डबल केज है जिसमें आउटर केज आर डिजाइन विथ क्या बताइए, लो क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस लो क्रॉस सेक्शनल एरिया सो देयर रेजिस्टेंस एज क्या होगा बताइए, हाई होगा। क्यों, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जबकि ये जो इनर लेयर है, इनर केज को हम लोग लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का बनाते हैं, जबकि इनर केज आर डिजाइन विथ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया सो दैट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका बताइए, रेजिस्टेंस इज क्या होगा बताइए, लेस होगा। ये कब होगा बताइए, ऑल नॉर्मल कंडीशन। लेकिन ये क्या है बताइए, एसी मोटर है तो एसी में बताइए फ्रीक्वेंसी भी आएगा ना सर, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आएगा सर, फ्रीक्वेंसी एसी में। अब देखिए हमारा एसी में अगर हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा तो ये हमारा किस पर, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क किस पर करता है, एसी पर डिपेंड करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर वर्क किस पे वर्क करेगा, ऑन एसी सप्लाई पर वर्क करेगा। और एसी सप्लाई पर क्या रिएक्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देयरफोर रोटर रिएक्टेंस आर डिपेंड्स ऑन किस पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंस क्या होता बताइए, 2πfL होता है सर। रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता बताइए, 2πfL होगा ना रोटर रिएक्टेंस। अब बताइए हमारा स्टैंड स्टील कंडीशन में हम ऐसा बता चुके हैं, जो स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है वही क्या होता है बताइए, रोटर फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकेज होगा ये हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में, यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। इसका रिएक्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा बताइए,
यहाँ पर रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा हमारा, तो क्या होगा इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, इनर केज में कम फ्लो करेगा, आउटर केज में क्या होगा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, यानी कि इनर लेयर से आउटर लेयर की ओर हमारा क्या होगा बताइए, ओवरऑल करंट क्या फ्लो करेगा, घटते जाएगा। यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्यों ज़्यादा फ्लो करेगा बताइए हमारा, यानी कि यहाँ पर हमारा फ्लक्स लिंक करेगा। यहाँ तक आप नोट कीजिए जल्दी से, नोट करने के बाद हम यहाँ तक मिटा रहे हैं जो भी लिखे हैं, उसके बाद आगे समझाते हैं। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझने के बाद नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स लिंकेज जो होगा इनर केज में क्या होगा ज़्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा इनर केज में ज़्यादा होगा, यानी कि इनर केज द फ्लक्स लिंकेज ऑन इनर केज इज मोर, फ्लक्स लिंकेज मोर होगा। अगर हमारा फ्लक्स लिंकेज आपका मोर होगा तो रिएक्टेंस क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। हमारा फ्लक्स लिंकेज इनर केज इज मोर, जबकि इसमें क्या होगा वेयर एज इन आउटर केज फ्लक्स लिंकेज आर क्या होगा लेस। ऐसा होने से क्या होगा बताइए, इनर केज में करंट क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा जैसे जैसे आउटर केज की ओर जाएगा। एज ए रिजल्ट द इनर केज द करंट फ्लो इन इनर केज इज मोर एंड प्रोग्रेसिवली मतलब लगातार डिक्रीजेज करेगा, कैसे जैसे जैसे ऑटर की एज की ओर जाएगा, एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज व्हेन गोज टू आउटर केज। ऐसे हम लोग बात करेंगे सर। यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यानी किस तरीके से हमारा होगा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि देखिए हमारा ध्यान दीजिए मान लीजिए कंडक्टर है, अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए मेन कंडक्टर यहाँ पर है आपका, तो ये देखिए हमारा ऐसा हम लोग जाने होंगे मान लीजिए कंडक्टर अगर हमारा यहाँ पर रखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, अब देखे होंगे कंडक्टर में एक आपका यहाँ पर स्किन इफेक्ट जैसा बिहेवियर हो गया। स्किन इफेक्ट कैसा बिहेवियर है बताइए, ये हमारा दिस इज द जस्ट सिमिलर टू द स्किन इफेक्ट क्या बोलता है, आउटर मोस्ट सरफेस पर क्या होता है बताइए, ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, जबकि इनर मोस्ट पर क्या करता है बताइए, कम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेन कंडक्टर आपका यहाँ पर होगा, लेकिन क्या है मेन कंडक्टर यहाँ पर होगा तो ये हमारा ध्यान दीजिए कि ये इससे दूरी है, यहाँ से क्या है वाला ये दूरी है, ये डबल केज बनाया गया है बाद में बनाया गया है, तो जैसे जैसे दूरी होते जाएगा ये हमारा करंट का डेंसिटी क्या होगा सरफेस पर बढ़ते जाएगा, जबकि ये हमारा ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं यदि फॉर एग्जाम्पल तो मेरे जो नज़दीक होगा वो ज़्यादा सुनेगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा 10 मीटर दूर जाएगा वो कम सुनेगा, और 10 मीटर से ज़्यादा 20 मीटर जाएगा वो भी क्या कम सुनेगा। तो जहाँ पर कंडक्टर लोकेशन है वहाँ पर फ्लक्स लिंकेज क्या होगा ज़्यादा होगा सर फ्लक्स लिंकेज, और अगर हमारा वहाँ पर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो वहाँ का रिएक्टेंस क्या होगा बताइए ज़्यादा होगा, और रिएक्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो 1/x करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर सेंटर पर अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टेंस यहाँ पर क्या होगा ज़्यादा होगा, रिएक्टेंस यहाँ पर अगर हमारा ज़्यादा होगा सेंटर पर, ये पूरा मिला करके सेंटर पर कंडक्टर है, ये मान लीजिए कि पूरा कंडक्टर क्या है सेंटर पर, तो यहाँ पर हमारा अगर बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर रिएक्टेंस क्या होगा बताइए, यहाँ पर रिएक्टेंस क्या होगा उल्टा तो नहीं बोल दिए, फ्लक्स लिंकेज और इनर केज इज मोर, फ्लक्स लिंकेज इन आउटर केज फ्लक्स लिंकेज लेस, एज ए रिजल्ट द करेंट फ्लो इन इनर केज इज लेस एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज वेन गोज टू द आउटर केज, क्यों डिक्रीजे इंक्रीज करेगा बताइए, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ का रिएक्टेंस क्या है ज़्यादा है, और रिएक्टेंस ज़्यादा है तो अब बताइए हमारा करंट क्या होता है बताइए V/Z, अगर रिएक्टेंस ज़्यादा है इसमें X भी मौजूद है, R+jX मौजूद है, R तो जो है वो है लेकिन X का मान बहुत ज़्यादा होने के कारण करंट यहाँ पर क्या होगा कम होगा, और जैसे जैसे हम लोग एभव की ओर जाते जाएंगे करंट डेंसिटी क्या होगा बताइए बढ़ते जाएगा, तो ये इफेक्ट कैसा है बताइए, सिमिलर टू द स्किन इफेक्ट है कि नहीं, दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू द क्या है बताइए स्किन इफेक्ट है, दिस इफेक्ट दिस इफेक्ट
दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू अ स्किन इफेक्ट। किसका इफेक्ट के बराबर है बताइए? स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट के कारण क्या होगा बताइए? ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए? बढ़ जाएगा। देयरफॉर ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज करेगा? हम लोग जानते हैं RAC बराबर 1.6 टाइम्स ऑफ क्या होता है RDC, हमारा AC फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो ये वाली टर्म्स क्या होगा बताइए? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो RAC बराबर क्या होता है RDC। अरे 1.6 को क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट फैक्टर बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पर लॉसेस वगैरह भी क्या होगा बताइए? ज़्यादा होगा। लॉसेस ज़्यादा होगा तो इसका इफिशियंसी क्या होगा? कम होगा। साथ ही साथ डबल केज होने के कारण इसमें कॉस्ट क्या लगेगा बताइए? ज़्यादा लगेगा। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा देखिए RAC बराबर 1.6 टाइम्स ऑफ RDC। अब देखिए ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया बताइए? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ये डबल केज होने के कारण। कब बढ़ा? एट स्टार्टिंग बढ़ा। हम किस पे कंसंट्रेट हैं? स्टार्टिंग पर कंसंट्रेट है। क्यों? क्योंकि स्क्वरल केज रोटर के पास स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है और हम क्या चाह रहे हैं? स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? रेजिस्टेंस का है। और स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा बताइए? द स्टार्टिंग टॉर्क इज इम्प्रूव्ड। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा बताइए? इम्प्रूव्ड। क्योंकि TST डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बताइए? R2 इंक्रीज करेगा, ई भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हम फार्मूला बता चुके हैं 3/2πNSAC2² R2/R2+SX2 का होल स्क्वायर। तो स्टार्टिंग कंडीशन में S का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी कि TST डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? R2 का। अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो R2 भी क्या होगा बताइए आपका? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? R2 बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कब तक का हम खेला बताए हैं? जब तक कि आपका स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो जाएगा मोटर, स्टार्ट हो जाएगा तो बताओ धीरे धीरे क्या अपना स्पीड बढ़ाएगा? स्पीड बढ़ाएगा तो बताओ स्लिप बढ़ेगा कि घटेगा? स्लिप सर घटेगा। कैसे? स्लिप इक्वल टू क्या होता बताइए? NS - NR / कितना NS? अब ये रोटर का स्पीड बढ़ने से बताओ स्लिप होगा घटेगा? और यदि आपका स्लिप घटेगा तो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी था S × F होता है, पहले क्या 50 हर्ट्ज था, लेकिन अब 50 हर्ट्ज से घटेगा। 50 हर्ट्ज से घट करके कितना होगा बताइए? ये हमारा S पर डिपेंड करेगा, यानी कि 1 से लेके 4 हर्ट्ज तक होगा। कब? जब आपका नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएगा। जब पहले 50 था तब हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा था, ये हमारा क्योंकि वहाँ पर स्किन इफेक्ट हो रहा था। लेकिन अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत घट जाएगा तो रोटर रिएक्टेंस पर हमारा 2πFL पर बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत लेस हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगा तो एक्स में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, और एक्स में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, रिएक्टेंस में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, तो करेंट में भी बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा। तो वहाँ पर स्किन इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो ये जो फैक्टर है RAC लगभग क्या होगा? RDC के बराबर होगा। RDC के बराबर होगा तो फिर क्या होगा? रनिंग परफॉर्मेंस हमारा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था इसमें। मेनली इसका क्या था? स्टार्टिंग परफॉर्मेंस खराब था, जबकि रनिंग परफॉर्मेंस क्या था? गुड रनिंग परफॉर्मेंस। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ? ये डबल केज करने से क्या हो गया? स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या हो गया? अच्छा हो गया। साथ ही साथ रनिंग परफॉर्मेंस तो इसका अच्छा था ही, तो रनिंग परफॉर्मेंस जैसा था वैसा रह गया, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आया, क्योंकि इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा रोटर केज के कारण थोड़ा ज़्यादा होगा, टाई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होगा, हीटिंग लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसके कारण इफिशियंसी थोड़ा सा घटेगा। बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा का क्या हो जाएगा? इम्प्रूव कर जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हम टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स से भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है? इतना तक आप नोट डाउन कीजिए। पहले देखिए, हम जैसा कि आपको बताएं, जब रोटर स्पीड एक रन पकड़ लेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? लगभग हमारा निग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल रोटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देन द रोटर फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेरी लो। कितना बताएं? 1 से 4 हर्ट्ज के बीच नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपका रहेगा। नाउ द रोटर रिएक्टेंस ऑफ द बार बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द करेंट डेंसिटी। देन नाउ द रिएक्टेंस ऑफ बार बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल। रिएक्टेंस क्या? ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि
फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से रिलेशन नहीं रहेगा। अब बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी से रिलेशन नहीं रहेगा तो एक्स वेरी नहीं करेगा टू पाई एफ एल, लगभग सब जगह सेम हो जाएगा। सेम जगह रहेगा तो करेंट डेंसिटी बिकम्स नियरली क्या होगा, एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक समान हो जाएगा। तो इट ऑफर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू द डी सी, एक समान अगर करेंट हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर स्क्रीन इफेक्ट लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा। कि आर ए सी जो होगा, आर ए सी 1.6 टाइम्स ऑफ आर डी सी होता है, कब जब स्क्रीन इफेक्ट होता है। और जब फ्रिक्वेंसी निग्लिजिबल हो जाएगा तो ए वाला टर्म क्या होगा, स्क्रीन इफेक्ट के कारण आया था ना 1.6, स्क्रीन इफेक्ट यदि पढ़े होंगे तो 1.6 किसके कारण आता है, स्क्रीन इफेक्ट के कारण आता है। तो स्क्रीन इफेक्ट निग्लेक्ट करेंगे तो ए वाला टर्म भी निग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि ए सी रेजिस्टेंस लगभग डी सी रेजिस्टेंस के इक्वलेंट में आपका आएगा। यहाँ पर क्या होगा, आर ए सी इक्वल टू आर डी सी, यानी कि आर ए सी जो होगा 1.6 टाइम्स ऑफ आर डी सी होता है, और ए वाली टर्म जो होगा से निग्लिजिबल हो जाएगा। आर ए वाली निग्लेक्ट कर देंगे तो आर ए सी बराबर लगभग क्या हो जाएगा, लगभग में आर डी सी के बराबर होगा। तब क्या रेजिस्टेंस ओवरऑल घट जाएगा, ठीक है। यानी कि रनिंग के दौरान रेजिस्टेंस घट जाएगा तो अच्छा बात है ना, क्योंकि रनिंग के दौरान कॉपर लॉस क्या होगा, घटेगा। इफिशियंसी क्या होगा फिर बताइए, बढ़ेगा, तो अच्छा बात है यार रेजिस्टेंस घटना। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को ज़्यादा होना जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्योंकि स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा करना था हमको, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। टॉर्क ज़्यादा होना था, साथ ही साथ स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता तो उसको लिमिट करने के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा होना जरूरी था, पावर फैक्टर को इम्प्रूव होना जरूरी था। तो हमारा डीप बार डबल केज रोटर है, डीप बार क्यों बोल रहे हैं, अंदर तक है, ये देखिए इतना ही तक है, ये अंदर तक है, इसलिए डीप बार इसको बोल रहे हैं। और दो केज होने के कारण इसको डबल केज बोल रहे हैं। डीप बार डबल केज रोटर हैज लो स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट मिनिमाइज हो गया क्योंकि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो रनिंग रेजिस्टेंस। रनिंग रेजिस्टेंस तो क्या हो गया, कम गया, क्योंकि 1.6 टर्म क्या हो गया, घट गया। इट गिव्स द गुड स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग क्यों गुड है, टॉर्क ज़्यादा हो गया, स्टार्टिंग करंट कम हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या हो गया, बेटर हो गया। रनिंग तो इसका अच्छा होगा ही होगा। और इसका टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स जो होता है, से बहुत ही अच्छा टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स होता है, सुपीरियर टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स होता है। इतना तक आप नोट कीजिए, हम बताते हैं कि कैसा इसका टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स आपका होता है। चलो ध्यान देते हैं, चलो ध्यान दो, मिटाते हैं इसको। अब हम देखेंगे इसका कि टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा डबल केज रोटर का। हम लोग टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स बहुत का पढ़ चुके हैं, इसका भी हम लोग टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, डबल केज रोटर का टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। देखो भाई, जिंदगी में बहुत गम मिलेंगे, जिंदगी में बहुत गम मिलेंगे, सच मानो अच्छे दोस्त बहुत कम मिलेंगे। जिस मोड़ पे सब साथ छोड़ देंगे, साथ खड़े उसी मोड़ पर हम मिलेंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स। किसका टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, डबल केज रोटर का। देखिए इसका टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, देखिए इसका टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। मान लिया जैसा टॉर्क है, ये मान लिया कि टॉर्क है, टॉर्क है, इधर मान लिया जाए कि आपका स्लिप है। देखते हैं टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, बताओ। ऐसा होता है, ये है नॉर्मल कंडीशन का, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन हम लोग इनर केज का बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसका, इनर केज का। ये हम लोग बात कर रहे हैं आपका इनर केज का, इनर केज का, इनर केज का बात की। यहाँ पर बताओ ये क्या होगा, बताइए टी स्टार्टिंग होगा, टी स्टार्टिंग। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर स्लिप कितना होगा, बताइए वन होगा, तो रोटर का स्पीड कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ पर कितना होगा, स्लिप जीरो होगा, तो रोटर का स्पीड कितना होगा, बताइए एन आर बराबर कितना होगा, एन एस के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग इनर केज का बात कर लिए, अब हम लोग आउटर केज का बात करते हैं। देखिए आउटर केज का कैसा होगा, इनर केज का क्या बताएं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आउटर केज का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क टी एस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, तो बताइए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी आउटर केज का अगर हम बात करेंगे तो आउटर केज का देखिए आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से लगभग ऐसा आपको आएगा आउटर केज का। ये किसका है सर, बताइए
आउटर केज का, आउटर केज का, आउटर केज का, आउटर केज का ऐसा है टीएसटी। ये हमारा किसका है बताइए, टीएसटी इनर केज का। ये किसका है बताइए, टीएसटी किसका है बताइए, आउटर केज का। अब हम बात करते हैं कंबाइनली डबल केज। डबल केज मतलब इसका भी इफेक्ट मिला रहे, इसका भी इफेक्ट मिला रहे, इसका इसका दोनों का इफेक्ट अगर हम मिलाएंगे तब देखो हमारा डबल केज अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इनर केज आउटर केज दोनों मिला देंगे तो इस टाइप से आपका टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स बनेगा। एक किसका होगा बताओ, डबल केज। डबल केज का बात करेंगे तो ये हमारा टीएसटी किसका होगा बताइए, डबल केज का। यानी कि डबल केज का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, टॉर्क ज़्यादा होगा, साथ ही साथ रनिंग परफॉर्मेंस भी क्या होगा, सुपीरियर होगा। तो किसका टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स है बताइए, डबल केज रोटर का टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स है। इसको भी आप लोग को क्या करना है, बना लेना है, बात समझे। तो ये रहा आज का क्लास आपका डबल केज रोटर के बारे में, कि डबल केज रोटर क्या होता है और डबल केज कैसे हमारा आपका अंतर है किससे, आपका सिंगल केज रोटर से। ये हमारा इस क्लास में हम लोग देखे हैं। एक चीज़ और हम इस क्लास में देख लें तो बहुत अच्छा होगा, यदि हमारा डबल केज रोटर और सिंगल केज रोटर में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन हम लोग को देख लेना चाहिए कि सिंगल केज डबल केज में कैसे डिफरेंस है। इट मे पॉसिबल फोर मार्क्स में वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डबल केज, हाउ डबल केज डिफर फ्रॉम द सिंगल केज रोटर। क्लियर है, इसको आप पहले डायग्राम को बनाइए उसके बाद हम अंतर को बता रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है कंपेरिजन कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करेंगे कंपेरिजन का, ये कंपेरिजन भी आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछता है एग्जाम में कि डबल केज रोटर और सिंगल केज रोटर, या रोटर भी बोल सकता है या फिर इस रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर ही हम लोग मोटर बोलते हैं, ठीक है। मोटर का नामकरण किसको देते हैं, थ्री फेज का आधार पर, रोटर के आधार पर देते हैं, मोटर बोले या रोटर बोले सेम चीज़ है। इसमें जो जो पॉइंट हम बोल चुके हैं सेम चीज़ को फिर से हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ए डबल केज रोटर हैव लो स्टार्टिंग करंट एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, देयर फॉर दिस मोटर इज मोर सुटेबल फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। यहाँ पर दो तीन टर्म्स आया, देखिए दो तीन टर्म्स को, एक तो है लो स्टार्टिंग करंट, दूसरा हाई स्टार्टिंग टॉर्क और एक है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। इसके लिए क्या सुटेबल फॉर है, ये तीनों लाइन का मतलब है। हम ऐसा बात किए कि डबल केज रोटर जो है, डबल केज रोटर है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आउटर केज के कारण में, ये हमारा और स्की डिफेक्ट के कारण इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारा स्टार्टिंग करंट क्या होगा बताइए, लो होगा ना, क्योंकि हम लोग को करंट जो होता है से बताइए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में क्या होगा, घटेगा। लो स्टार्टिंग करंट कैसे हुआ, हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैसे होगा, स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बताइए, रोटर रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा ना स्टार्टिंग में। ये कैसे दो चीज़ समझ में आ गया आपको कि कैसे हो रहा है चीज़। तीसरा चीज़ का बात करते हैं, स्टार्टिंग मेथड जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक है जो कि हम पढ़ाने वाले हैं आपको। एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग और इसके अलावा बहुत सारा स्टार्टिंग है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, थ्री फेज स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, ये सब स्टार्टिंग है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता है, केवल अब नॉर्मल कंडीशन से बचाता है, जैसे कि ऑन ऑफ करना है इस तरीके का काम को केवल करता है, जो बोल सकते हैं स्विचिंग एक्शन केवल लेता है, लेकिन ये करंट को रिड्यूस नहीं करता है। रिड्यूस नहीं करता चूंकि ये लो स्टार्टिंग करंट है इसलिए नहीं भी रिड्यूस करेगा तो काम करेगा, इसलिए डी ओ एल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग इसमें यूज करते हैं। लेकिन अगर सिंगल केज रोटर में अगर बात करेंगे तो वहाँ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होगा तो डैमेज कर सकता है, चूंकि यहाँ स्टार्टिंग करंट कम होता है इसलिए डी ओ एल स्टार्टर को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात, सिंस इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस ऑफ डबल केज रोटर इज हाई एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में हाई है क्योंकि आर ए सी क्या 1.6 टाइम्स ऑफ आर ए सी, तो स्टार्टिंग में हाई है, देयर फॉर मोटर हीटिंग इज मोर एज कम्पेयर टू द सिंगल केज मोटर। इसके कारण से स्टार्टिंग से ही मोटर क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा डबल केज किसके तुलना में, सिंगल केज के तुलना में, ड्यू टू द रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर लॉस। आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, हीटिंग लॉस होता है ना, हीटिंग लॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। और हम बात किए हैं हाई रेजिस्टेंस ऑफ आउटर केज, आउटर केज का रेजिस्टेंस जो होता है से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्यों, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, इससे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है डबल केज का, ज़्यादा होता है। तो इस कारण से आई फुल लोड कॉपर लॉस जिसको क्या बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होना मतलब इफिशियंसी क्या होना, कम होना, यानी इफिशियंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। किसके कंपेरिजन में हम जो भी बात करें, किसके कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, सिंगल केज रोटर के तुलना में बात कर रहे हैं।
और ये डबल केज है तो चूंकि इसमें कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टीज होगा, इस कारण से इसका कॉस्ट जो होता है सिंगल केज के तुलना में 20-30% क्या होता है बताइए, ज़्यादा लगता है। 20-30% क्या होता है कॉस्ट, ज़्यादा होता है किसका, डबल केज रोटर का। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही आपको रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।